आपने हानिया को बेटियों की तरह प्यार किया है। बेटियों की तरह नहीं, बेटियों से ज्यादा ही किया। अम्मी को हानिया के आगे किसी और की सच्चाई थोड़ी ना दिखती है। इतना अहमक भी ना हो। मैं ला कहमक सही, लेकिन उस मोहब्बत का क्या कहूं जो मेरे मालिक ने मेरे दिल में हानिया के लिए डाली है। इसे हमाकत नहीं कहते, आला जर्फी कहते हैं। शबाना, आपका बहुत बड़ा दिल है। आपने मेरी बुजदिली को कितनी बहादुरी से अपनाया। खैर, अब इन बातों में क्या रखा है। आप हानिया को बुलाएं, हम उसे ले जाने के लिए आए। किस लिए? हानिया अपने घर में ही रहेगी अब। आधिया, वो बीच में कुछ गलत फहमियां हो गई थी, अब वो सब दूर हो गई हैं, सब ठीक है। कोई जरूरत नहीं शबाना, बहुत खुश है यहाँ अपने भाई के घर में। नहीं मॉम, अगर ये लोग उसे लेने आए हैं तो आप क्यों नहीं भेज रही उसे? मैं बुलाकर लाती हूँ। फकीर को बहुत जल्दी है हानिया को यहाँ से भेजने। अचानक क्यों? रत्ती भर गुंजाइश नहीं इसके दिल में हानिया के लिए। अम्मी बाबा आए हैं बाहर, आ जाओ। मुझे क्या देख रही हो, बाहर आओ। वो यहाँ क्यों आए हैं? मुझे नहीं पता, खुद आके पूछ लो। मेरी बात सुनो। क्या तुम क्या मेरे यहाँ आने से नाखुश हो? दिख नहीं रहा तुम्हें, अंधी हो तुम। ये तुम्हारा घर नहीं है हानिया, तो तुम क्यों रह रही हो यहाँ पे? अम्मी का घर तो फिर भी समझ आता है, तुम वहां पली बड़ी हो, लेकिन यहाँ बेहतर होगा अगर तुम वापस चल जाओ। हम आ रही है हानिया आप लोग के साथ जाने के लिए। फाकिया, मैंने कहा है ना, हानिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या फर्क पड़ता है आलिया, हानिया यहाँ रहे या वहां, उसकी माँ तो उसके साथ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनी बेटा, चलो घर चले, तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अगर किसी को भी एतराज है कि हानिया इस घर में रह रही है, तो मैं उसको लेकर चली जाती हूँ वापस उसके घर। नहीं, हानिया मेरे साथ रहेगी। जब मैं कह चुका हूँ कि हानिया हमारे साथ इस घर में रहेगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उसको इधर उधर रखने की क्यों बात करें। इसलिए कि तुम्हारी बीवी को एतराज है बेटा। ये मेरा फैसला है और इस पर और कोई बात नहीं होगी। हानिया वहां खुश तो है ना अम्मी? हाँ, खुश क्यों नहीं होगी, बहुत खुश है, बल्कि कुछ ज्यादा ही खुश है। सारे घर पे कब्जा कर लिया और फाकिया को बस एक साइड पे कर दिया। क्यों गलत बात कर रहे हो? तुम्हें उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने सारे घर पे कब्जा कर लिया? साकित और खामोश थी उसकी आंखें। तो अम्मी वो आप लोगों के साथ आई क्यों नहीं? उसके भाई ने रोक दिया उसे। चलें, शुक्र है हानिया को कोई घर तो मिला जो उसका अपना है। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। उस वक्त आंखें खुलेंगी तुम्हारी जब वो सब कुछ ले उड़ेगी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।